Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. फील्ड में गए बालाज. तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. क्या फिल्म में देखने को मिलेगा रेट्रो टच? क्या ओरिजिनल स्टोरी में किए जाएंगे बदलाव? क्या टाइगर करेंगे रैम्बो के लिए एक्स्ट्रा मेहनत? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में. टाइगर श्रॉफ की झोली में एक के बाद एक फिल्म्स मानो गिरती ही जा रही हैं. अभी हाल ही में उनकी फिल्म हीरोपंती 2 के ट्रेलर ने सुर्खियां बनाई और वैसे भी वो काफी समय से अपनी फिल्म गणपत को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए थे. जी हाँ, गणपत भी टाइगर की इसी साल रिलीज होने वाली फिल्मों में से एक है. ये भी एक्शन थ्रिलर फिल्म है. आज के समय में टाइगर श्रॉफ ने बतौर एक एक्शन अपना काफी नाम बना लिया है और समय के साथ वो इससे और आगे बढ़ाते जा रहे हैं. अक्षय कुमार के बाद टाइगर श्रॉफ का ही नाम एक्शन के जॉनर में काफी बड़ा है. उन्होंने हीरोपंती, वॉर और बागी जैसी एक्शन पैक्ड फिल्में बनाकर दर्शकों का दिल काफी लुभाया है. और ऐसे ही एक फिल्म की चर्चा काफी समय से हो रही है जिसमें टाइगर श्रॉफ मेन लीड में होंगे, जिसका नाम है रैम्बो. जी हाँ, तो रैम्बो की मेकिंग की खबरें काफी समय से आ रही हैं, लेकिन कभी भी इस फिल्म की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है. यशराज स्टूडियोज के अंडर बन रही ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म रैम्बो की ही बॉलीवुड वर्जन है, जिसमें कि टाइगर श्रॉफ को लीड में देखा जाएगा. फिल्म का हॉलीवुड वर्जन ऑलरेडी काफी सालों पहले रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के पोस्टर को देखने से ऐसा लगता है कि फिल्म में रेट्रो टच होने वाला है, क्योंकि रैम्बो का ओरिजिनल वर्जन भी काफी समय पहले आया था और टाइगर के लुक को भी पोस्टर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी रेट्रो एक्शन स्टार की ही फिल्म में रखा गया हो. साथ ही साथ एक एक्शन फिल्म होने के साथ ही फिल्म के पोस्टर में हमें कोई मॉडर्न हथियार देखने को नहीं मिल रहे हैं. तो इन सभी का ऑब्जर्वेशन से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिल्म को थोड़ा रेट्रो लुक दिया गया है. फिल्म में मेन लीड रोल में अपने रैम्बो अवतार के लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों पहले ही खबर ये आई थी कि टाइगर रैम्बो के अवतार के लिए खुद पर और मेहनत कर रहे हैं, यानी कि वो अपने लुक्स और टफ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने स्टंट की स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं. सुनने में ये भी आ रहा है कि फिल्म रैम्बो की ओरिजिनल स्टोरी में भी चेंजेस आएंगे, यानी कि रैम्बो की स्टोरी एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी जो कि उसके ओरिजिनल वर्जन में है. उसमें कुछ कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन में भी बदलाव लाने की प्लानिंग की जा रही है. अब बस दर्शकों को इंतजार है तो बस फिल्म की कन्फर्मेशन का और उसके साथ ही साथ उसके बाद इसकी रिलीज की अनाउंसमेंट का. तो क्या आपको लगता है कि टाइगर एक बार फिर से कर पाएंगे अपने एक्शन पैक्ड रूप से सबको सरप्राइज? आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.